गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, अभी बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मेरे देवर आए हुए हैं और उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। एक्चुअली उनको ना पोहा पसंद नहीं है, मतलब पोहा से उन्हें एसिडिटी होती है, तो इसी वजह से अभी उनके लिए उपमा बनने वाला है। तो जल्दी से उनके लिए उपमा बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी जाने की जिद कर रहा है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से उनके लिए उपमा बनाती हूँ। पता नहीं अभी उनसे मिलवा पाऊंगी आपसे या नहीं, तो क्योंकि उनको जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं उपमा। एक्चुअली सबकी अलग अलग रेसिपी होती है ना, तो इसी वजह से शेयर कर रही हूँ। मतलब आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ऐसे ही बनाते हो, ऐसे ही आपका तरीका है या कुछ अलग है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझसे क्या गलती हुई है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में, उसके बाद मैंने उसमें मूंगफली डाल दी है। वेट भी नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब करना था मुझे, तो इसी वजह से गर्म होने का वेट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में मूंगफली डाल दी है, उसके बाद वहाँ पर प्याज काट रही हूँ। तो प्याज मैंने लंबा लंबा काटा है। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी कि माइक्रोवेव में उसे रख दूँगी, अपने सूजी को, भूल जाती हूँ, सूजी को रख दूँगी भूनने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना था। मेरे देवर जी वेट नहीं कर रहे थे, जल्दी से बना के मुझे उन्हें देना था, क्योंकि वो मना कर रहे थे नाश्ता करने के लिए, बट मेरा था कि मुझे उनको नाश्ता खिला के ही भेजना था। तो यहाँ पर मैं मिर्च काट रही हूँ, हरी मिर्च, और वहाँ पर मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में सूजी भूनने के लिए। अगर मैं यहाँ पर सूजी भूनते बैठती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और वैसे सूजी भून के रखनी चाहिए क्योंकि ऐसे कोई इमरजेंसी आ गई ना तो फिर वो सूजी काम में आ जाती है। बट मुझे लगा कि वो पोहा खाएंगे, बट उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे एसिडिटी होती है पोहा से, तो इसी वजह से उन्होंने पोहा मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं उपमा बना देती हूँ, उनसे पूछा ही था मैंने उपमा खाओगे या नहीं, तो उन्होंने बोला कि चलो उपमा चल जाएगा, तो इसी वजह से मैंने ये उपमा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर मैं बार बार चेक कर रही थी कि क्या बोलते हैं सूजी हो गई क्या, तो यहाँ पर सूजी पहला मतलब पहली बार हो गई थी, बट मैंने और डाल दी थी, मुझे लगा कि इतना कम पड़ जाएगा क्योंकि उनके साथ कोई था, तो इसी वजह से इतनी सूजी कम पड़ जाती। इसी वजह से मैंने दोबारा से सूजी भूनने के लिए रख दी। तो वहाँ पर सूजी भून रही है, यहाँ पर मेरी ये भी सूजी भून रही है, थोड़ा सा तेल में भी भूननी पड़ती है, तो इसी वजह से यहाँ पर तेल में भी भून रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसे अच्छे से भून लिया। उसके बाद गर्म पानी उसमें ऐड करूँगी, और बस कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसी रखनी है हमें, और बस उसके बाद ढक के रख दूंगी स्टीम आने के लिए। सबसे पहला है ये कुकुम्बर शीट मास्क जो कूलिंग शीट मास्क है, और सेकंड है राइस शीट मास्क जो ब्राइटनिंग शीट मास्क है, लोटस शीट मास्क ये ऑयल कंट्रोल शीट मास्क है, और उसके बाद ये है लेमन शीट मास्क जो ब्राइटनिंग शीट मास्क है। तो इन चारों में से मुझे लगता है कि ये मैं लगाऊँ। एक्चुअली मुझे चाहिए अभी ठंडक, तो इसी वजह से इन चारों शीट मास्क में से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा कुकुम्बर कूलिंग शीट मास्क। तो अभी इसे यूज करते हैं। और हाँ, अभी पर्पल पे 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक गुड वाइब गॉर्जियस सेल चल रहा है। अगर आप चार प्रोडक्ट अपने कार्ट में गुड वाइब्स के ऐड करते हो ना, तो आपको दो ही प्रोडक्ट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मतलब दो प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट चाहिए या ये वाली शीट मास्क चाहिए, तो जल्दी से जाइए और इस ऑफर का फायदा लीजिए। अगर आपको ये चार शीट मास्क चाहिए तो आपको दो ही शीट मास्क की प्राइस पे करनी पड़ेगी इसके लिए, और मेरा कूपन कोड यूज करना है, उससे भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छी डील मिलने वाली है आपको। और हाँ, एक बात तो बताना ही आपको भूल गई, 28 अप्रैल तक यहाँ पर 10,000 ऐसे लकी विनर्स होने वाले हैं जिनको 5 लाख तक कैशबैक मिलने वाला है, और 1,000 रुपीज पर यूजर क्रेडिट भी आपके वॉलेट में आ सकता है। और जल्दी से इस डील का फायदा उठाइए और जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो जल्दी से परचेस करिए। तो चलिए अभी मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला शीट मास्क, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है शीट मास्क। आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा सीरम रहता है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रेट लगता है, मतलब बहुत ज्यादा आपके स्किन को हाइड्रेटेड करेगा ये। और यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ, बहुत संभाल के आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भर के इसमें सीरम रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो फटने का भी डर रहता है यार।
ये देखो ये मैंने ओपन कर लिया, अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। वाह यार कितना ज्यादा ठंडक महसूस होती है इसको, सच में लगाने से बहुत ज्यादा ठंडा लगता है आपका फेस। ये कहाँ पर अटक गया? हाँ ये ऊपर ये था। ओह माय गॉड सच में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है यार ये। और इसमें इतना ज्यादा सीरम होता है, जितना सीरम आपका 1 से 2 हफ्ते तक लगेगा ना उतना सीरम आपको इस एक शीट मास्क में मिल जाता है, तो इतना ज्यादा सीरम होता है। और इसी वजह से ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड बनाता है। और बस बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, अभी मैं इसे 15 मिनट तक रखूंगी और उसके बाद रिमूव करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। हे गाइस अभी फ्रेश होने वाली थी बट मैंने सोचा चलो आपको एक चीज दिखा देती हूँ। एक्चुअली कारपेंटर आते ही मैंने अपने कारपेंटर से ना आज एक चीज बनाने के लिए बोली थी, जो कि है ये वाली शेल्फ। अभी ये वाली शेल्फ उन्होंने बना के दी है और इतनी जल्दी बना के दी ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब तक मैं शीट मास्क अप्लाई कर रही थी उधर तब तक उन्होंने ये जो शेल्फ है वो बना के भी दे दी। और ये मैंने उनको बोला था कि ये यहाँ पर था ना तो ये यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाने के लिए बोला था, तो वो भी लगा दिया उन्होंने। मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अब। एक्चुअली ये जो शेल्फ है इसलिए बनाने के लिए बोली थी मैंने उनको क्योंकि जो मैंने छोटे छोटे ग्लास के कंटेनर्स ऑर्डर किए थे वो मुझे सजाने थे और यहाँ पर नहीं सजा पा रही थी क्योंकि ये बार बार ना हाथ लग जाता है इसको, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं ना तो बार बार इसे ऊपर करना पड़ता है और फिर इसमें रखना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं वो वाले जो बर्निया है या कंटेनर्स है वो नहीं रख पा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर एक शेल्फ बना दो, मतलब उससे क्या होगा कि ये वाला एरिया यूज भी हो जाएगा और इतना अच्छे से यूज होगा कि यहाँ पर मेरे सारे कंटेनर्स आ जाएंगे तो दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब सारे मैं जो भी मेरे यूज की चीजें हैं मतलब बार बार मुझे वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, कहाँ स्टोर रूम में बार बार वो चीजें लाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर सजा दूंगी जो डेली यूज की होती है, तो वो सारे कंटेनर्स में यहाँ पर सजा दूंगी ना तो यहाँ के यहाँ लेने के लिए अच्छा रहेगा मुझे, तो इसी वजह से उन्होंने ये बना के भी दे दी और मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ आज। एक्चुअली ये जो माइका है ये इस वाले माइका से मैच भी हो गया क्योंकि ये वाला हम लोगों ने जब किचन बनवाया था तो वो रेडीमेड बनवाया था और ये वाला जो है अभी खुद घर से मतलब खुद यहाँ पर कारपेंटर आके बना रहे, तो इसी वजह से माइका चेंज होने का डर था मुझे, तो क्योंकि ये रेडीमेड वाला माइका अलग रहता है मतलब इसकी शीट ही आती है लैमिनेट वाली और एक्रेलिक वाली, इसी वजह से मैंने उनको बनाने के लिए बोला था और वो मैच हो गया ना तो मुझे बहुत सच में ज़्यादा खुशी हो रही है। और जैसे मैंने उनको डिज़ाइन बताई थी ये वाली कर्व वाली तो उन्होंने वैसे की वैसे सेम बना के दे दी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो स्पेस है ना वो यूज़ भी हो गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेस खाली थी ना तो यूज में अगर आ जाए स्पेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना जल्दी से अभी किचन का मेकओवर करने वाली हूँ पूरा और जल्दी से आपके साथ किचन टूर शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये सारा काम खत्म होने जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि क्या होगा कि मैं बेडरूम का मुझे क्लीन करना पड़ेगा, बेडरूम भी मुझे अच्छे से बनानी पड़ेगी, मतलब इतना काम होने वाला है ना इसके मतलब ये जो काम है पूरा कारपेंटर का खत्म हो जाने के बाद कि आपको क्या बताऊँ, पूरा काम मेरा बढ़ने वाला है। बट कोई बात नहीं, आपको अच्छा सा घर देखने के लिए मिलेगा और जल्दी जल्दी आपको टूर देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर टूर का आप बोल रहे हो तो जल्दी से मंदिर टूर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 1-2 दिन दीजिए मुझे, सिर्फ 1-2 दिन में आपके साथ मंदिर टूर शेयर करूंगी और उसके बाद सारे टूर आए जाएंगे, उसके बाद आपको सारे टूर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि अभी कारपेंटर का काम चल रहा है ना तो मुझे भी इतना टाइम नहीं है और मैं इतने मतलब मेस में करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि सारा काम खत्म हो जाएगा, मुझे जगह भी मिल जाएगी सारी चीजें अच्छे से रखने के लिए और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं तो मैं अच्छे से कर भी पाऊंगी, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चीज यहाँ पर रखनी है वो चीज वहां पर रखनी है और मैंने कुछ ऑर्डर भी किया है ना तो वो ऑर्डर भी मेरे आ जाएंगे क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब ऑर्डर आ नहीं रहे हैं तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसके लिए भी टेंशन में हूँ कि मेरे जो ऑर्डर मैंने ऑर्डर किए थे मतलब जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे वो भी नहीं मुझे रिसीव हुए हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ जो भी मेकओवर मुझे करना है,
तो जो भी करूंगी आपके साथ शेयर तो करूंगी पक्का। और आप देख सकते हो क्या ग्लो कर रही है यार स्किन, और इतना ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। मैं माही को बोल भी रही हूँ कि सच में ये वाला शीट मास्क बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो मेरी जलन है वो बहुत कम हो गई, कम क्या लगी नहीं रही है मुझे, बहुत कूलिंग इफेक्ट, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, और तो चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि सारा टाइम मेरा इसी में चला गया है अभी। तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। चलिए गाइज, नहा लिया है, पूजा हो गई है, और हाँ मैं आपको बताना ही भूल गई, आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप क्या क्या कर रहे हो रामनवमी के लिए जरूर कमेंट करके बताना मुझे। आज मैंने हेयर वॉश किया है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और ये यहाँ पर है चावल, और हाँ ये भी बनाया था, आम का पन्ना भी बनाया था, बट वो दिखाना ही भूल गई आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस खाना खा लेंगे, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और आपके घर में क्या क्या बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, बस सिंपल सा खाना बनाया है बस आज, कुछ मतलब स्पेशल नहीं बनाया है। और ये जो लूंजी है इसकी रेसिपी किसी ने मांगी थी, तो आज तो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये 2 दिन पहले की है, तो ऐसे ही बना के ज़्यादा रख देते हैं ना फ्रिज में, तो अच्छी लगती है। चलिए खाना हो गया है, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँ। इसके साथ ही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। काफ़ी लेट हो गया है, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे जरूर एक बार चेक कर लेना, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको पक्का पसंद आने वाला है, एक बार लिंक जरूर क्लिक कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।